स्प्रिंग पटेटो सेलर वाले की सफलता। जगन्नाथ और उसकी पत्नी कमला जबलपुर शहर में रहते थे। जगन्नाथ आलू के गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकोड़े बेचा करता है, जो कि बाजार में एक ठेला लगाता है। पकोड़े बेचने की आवाज लगाता है, पकोड़े ले लो, पकोड़े गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकोड़े, स्पेशल मसाला के साथ बने पकोड़े, 100 ग्राम देना पकोड़े भैया। ये लीजिए, ये तो बहुत ही बढ़िया है। जगन्नाथ सालों से आलू के पकोड़े बेचा करता था। उसके पकोड़े सबको बहुत पसंद आते थे, पर हाल ही में उसके ग्राहक कम हो गए थे और काफी सारे पकोड़े बच जाया करते थे। अरे, आज भी इतने सारे पकोड़े बच गए, कोई लेने नहीं आया था क्या? अब तो गिने चुने लोग ही पकोड़े खाने आते हैं कमला, अब तो ठेले का खर्च भी नहीं निकलता। लोगों को अब नए नए व्यंजन पसंद आने लगे हैं, ये साधारण पकोड़े कोई खाता ही नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा जी, तो हम कैसे घर का खर्च चलाएंगे? अब तो पकोड़े बनाने का भी खर्च नहीं निकल पाता, हमें जल्द ही कुछ और तरीका सोचना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो कमला, क्यों ना हम पकोड़ों के दाम कम कर दें, उससे ग्राहक शायद जल्दी आ जाएं या ज्यादा आए। कोशिश करने में कोई हर्ष नहीं है। जगन्नाथ ने अपने पकोड़ों को बेचने के लिए दाम कम कर दिए, जिससे लोग उसके पकोड़े खरीदना शुरू कर दें। आइए बहन जी, सिर्फ 20 रुपए के पकोड़े हैं, खाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट है। मेरे बेटे को अभी आलू के पकोड़े पसंद नहीं आते, वो कुछ नया खाना चाहता है। पर मेरे पास तो बस यही पकोड़े हैं। आजकल के बच्चे और बड़े भी कुछ नया ही पसंद करते हैं, चलो बेटा चलते हैं। जगन्नाथ के पकोड़े के दाम कम करने के बाद भी उसके व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब उसे और चिंता होने लगी थी, क्योंकि अब घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया था और घर में जितने पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। सुनिए, अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, आज पड़ोस से चावल मांग कर लाई हूँ, कल क्या करेंगे? समझ नहीं आ रहा क्या करें, सारे ग्राहक कुछ नया खाने की मांग कर रहे हैं, अब ऐसा क्या बनाऊं कि सबको अपनी ओर खींच ले। मेरे भाई ने अपने गांव में कोई नई चीज बनाना सीखी है, हम कुछ दिन वहां चलते हैं, शायद हमें भी कोई रास्ता मिल जाए। वैसे भी अब यहाँ हमारे पास कुछ नहीं रहा अब। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए अब। जगन्नाथ और कमला गांव में रह रहे कमला के भाई बोला के पास आते हैं और देखते हैं कि उसके ठेले पर तो ग्राहकों की बहुत भीड़ लगी हुई है। बोला, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सब यहाँ लाइन में आ जाएं, सबको मिलेगा स्प्रिंग पटेटो, आ जाएं, आ जाएं, आए खाएं ये लजीज स्प्रिंग पटेटो। आखिर ये क्या है जिसके लिए लोग इतनी भीड़ लगाए बैठे हैं? क्या पता जी, बोला को आने दो, फिर पूछते हैं, अभी तो उसके पास वक्त भी नहीं है। देखो तो जरा कैसे लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। रात को जब भोला ठेला बंद कर वापस आता है तो जगन्नाथ और कमला उससे पूछते हैं, आखिर ऐसा क्या है वो जो तू बेच रहा था जिससे लोग तेरे ठेले पर भीड़ लगाए हुए जमा थे? मैं तो आलू ही बेच रहा हूँ। आलू? ये देखिए, छोटा सा मशीन है जिससे आलू को गोल गोल बनाया जाता है और इस डंडी में डालकर तल कर ऊपर मसाला डालकर हम बेचते हैं, इसे स्प्रिंग पटेटो कहते हैं। अरे, ये तले हुए आलू ही हैं। अरे, ये तले हुए आलू ही हैं, बस इसका आकार अलग है, पर लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद है। भैया, क्या आप हमें भी ये बनाना सिखा सकते हो? इनका पकोड़े वाला ठेला तो अब बंद हो चुका है, कोई ग्राहक नहीं आता। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बस इसका मसाला आपको खुद बनाना होगा। हाँ हाँ, मैं अलग अलग स्वाद के मसाले बना सकता हूँ। बोला जगन्नाथ और उसकी पत्नी कमला को
स्प्रिंग पटेटो बनाना सिखाता है और मशीन भी खरीद कर देता है। जगन्नाथ और कमला वापस अपने शहर आ जाते हैं और स्प्रिंग पटेटो का ठेला लगाने का सोचते हैं। तुम्हें क्या लगता है कमला, लोगों को ये पसंद आएगा? कहीं इस बार भी हम असफल रहे तो? हमने इतनी मेहनत की है जी, इतना अच्छा मसाला भी तैयार कर लिया है, लोगों को जरूर पसंद आएगा। जगन्नाथ और कमला अगली सुबह सब कुछ तैयार करने के बाद अपना ठेला लगाते हैं और बेचने लगते हैं। स्प्रिंग पटेटो ले लो, मजेदार स्प्रिंग पटेटो, सिर्फ 30 रुपए में, आइए आइए ले जाइए। ये क्या है? एक बार खाकर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। नहीं नहीं, खाने में अच्छा नहीं हो तो मेरे पैसे बर्बाद जाएंगे। जगन्नाथ के ठेले पर उस दिन भी कोई नहीं आया। कमला और जगन्नाथ उदास होकर अपने घर आ जाते हैं। शायद हमारी किस्मत ही खराब है। हाँ, अब तो ऐसा लगता है जैसे हमें मजदूरी करनी होगी और अपना पेट पालना होगा। नहीं कमला, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। कल मैं ये आलू गांव के हर छोटे बच्चों को दूंगा और ऐसा मसाला बनाऊंगा जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और जब बच्चे अपने माता पिता को हमारे ठेले पर लेकर आएंगे तो उन्हें भी इसका स्वाद पता चल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है जी। दूसरे दिन जगन्नाथ और कमला गांव के सारे बच्चों को स्प्रिंग पटेटो खिलाते हैं, जिसे खाकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपने माता पिता को खींच कर जगन्नाथ के ठेले पर ले आते हैं। अरे जगन्नाथ भैया, ये क्या तो खिला दिया है बच्चों को जो हमें यहाँ ले आए हैं। अरे भाभी जी, आप ये चीज खाकर तो देखिए, आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगी। तो हमें भी खिला दीजिए ये स्प्रिंग पटेटो। जगन्नाथ सबको अपने हाथ का बना स्प्रिंग पटेटो खिलाता है और लोग जैसे ही इसे खाते हैं वो सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे वाह, इसे खाकर तो मजा ही आ गया जगन्नाथ बेटा, अब से तो मैं रोज यहीं आया करूंगा। आपका ही तो ठेला है काका, जरूर आइए। उसके बाद तो जगन्नाथ के स्प्रिंग पटेटो काफी मशहूर हो गए और खासकर बच्चों के लिए जगन्नाथ एक स्पेशल स्प्रिंग पटेटो बनाया करता था, जिसे खाकर बच्चे काफी खुश हुआ करते थे। इतनी मुश्किलों के बाद जगन्नाथ के हौसले ने उसे सफलता दिला ही दी।